हाय गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वह रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे आप लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हो। आज के दिन आप लोग देखोगे भी स्टॉक में 6% का बिग फॉल हमें बनते नजर आए। और दोपहर में आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब शेयर हमें ओपन होते हुए नजर आया, फिर ओपन होने के बाद स्टॉक में रिकवरी बनी। 130 तक जो शेयर है वो फिलहाल आई थिंक ऊपर में भी गया, ठीक है। 130 तक ऊपर में जाने के बाद जो शेयर है वो लास्ट में हमें 126 के भाव पर क्लोजिंग देते नजर आया है। तब हमारे वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि क्या हमें स्टॉक को इंट्राडे में खरीदना चाहिए। मैंने आपको सुबह की वीडियो में क्लियर बोल दिया था भाई कि आरवीएनएल के अंदर फ्रेश एंट्री देना सही नहीं रहेगा आज के दिन। और क्यों नहीं रहेगा, अगर शेयर 119 से देखो भाई, 119 का भाव रखा गया है ना ओपन फॉर सेल में, अगर 119 120 के आसपास ओपन हो, ठीक है, वहाँ तक जाए तो एक अच्छी बात है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। ये मैंने आपको बोल दिया था, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर 119 के आसपास आए, क्योंकि ओपन फॉर सेल में तो 119 का भाव रखा गया है ना, तो वहाँ तक अगर आपको मिले तो सबसे बेस्ट है भाई, आप यहीं पर ओपन फॉर सेल कर लोगे। क्या जरूरत है आपको वहाँ पर ओपन फॉर सेल में जो है पैसा लगाने की। हाल फिलहाल आप लोग देखोगे जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स थे, आज उनके लिए ऑफर फॉर सेल था 27 जुलाई, और उन्होंने आज उन्हें भी यहाँ पर अप्लाई किया है, क्योंकि भी आप वॉल्यूम देखोगे 6,62,00,000 की लगते नज़र, ज़बरदस्त वॉल्यूम लगी है, तो उन्होंने यहाँ पर जो माल है वो बाय सेल किया है, डाटा अभी तक उनका नहीं आया है। उसके साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे 6% शेयर टूटा भी है। और यहाँ से अब मैंने बताती है कल के दिन रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि भाई 119 के भाव में अगर मिलेगा तो मैं तो खरीद लूँगा, स्टॉक ऑलरेडी आपको 119 पर आते हुए नज़र आएगा कल के दिन। क्यों आएगा, क्योंकि भाई आज जैसे 8 रुपये टूटा है ना शेयर, कल भी वैसे ही टूटेगा, क्योंकि कल भी ऑफर फॉर सेल ही 27 और 28 दो दिन का है ना, तो कल भी वैसे ही टूटेगा, तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, कहाँ आप माथा मारोगे भाई ऑफर फॉर सेल के लिए। तो ये बहुत सारे कमेंट आए थे कि ऑफर फॉर सेल में कैसे अप्लाई करेगा, फिर भी आपको अप्लाई करना है तो आप अपने ब्रोकर से बातचीत कीजिए, वहाँ से आप लोग जो ना भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल इसका मेथड नहीं है कि वो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि अडानी वाला है वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। अभी यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल में कोई भी ऐसी साइट वगैरह नहीं है जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा, तो या आप अपने ब्रोकर के ही थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए भाई अब जानते हैं यहाँ पर इसके आगे क्या हो सकता है, क्या हमें जो ना अभी देखो ऑफर फॉर सेल का आपका जो जितना भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। और एक चीज़ और है, अगर ये सर आपको 119 के आसपास आते हुए नजर आए ना, तो वो एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। मैं पहले ही बोल दिया था आपको और अब भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक आपके लिए बेस्ट मौका होगा, तो ये मौका हाथ से मत जाने देना अगर स्टॉक आपको नीचे के लेवल पर मिले तो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो सेंटर प्लान है टू सेल 5.4% स्टेक इन रेल विकास निगम लिमिटेड, रेट 1329 करोड़, जी हाँ 1329 करोड़ रुपए में 119 के भाव पर जो ना वो बेचने जा रही है। तो ये वो बड़ी अपडेट है, आज तो नॉन रिटेल इन्वेस्टरों ने माल खरीदा है, कल के दिन रिटेल इन्वेस्टरों के लिए तो वैसे ही स्टॉक आ जाएगा भाई उस भाव तक 119 के आसपास, तो वहाँ पर आप वैसे ही खरीद लोगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है ओवर फॉर सेल के अंदर पैसा लगाना। अगर ऊपर में मिले ना तो एक अलग बात है भाई, ठीक है, अगर स्टॉक कल 130 के आसपास ओपन हो वहाँ पर तो एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि भाई 130 पर शेयर ऑलरेडी है और आपको मिल कितने में रहा है 119 में, तो उसमें तो एक अलग ही चीज़ है। तो लेकिन स्टॉक ऑलरेडी आप लोग देखा 120 के आसपास तो वैसे ही आ जाएगा, तो वहाँ पर खरीदने का एक अच्छा मौका रहेगा नीचे के लेवल पर। फिर से आप लोग देखोगे स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिकवरी आएगी, क्योंकि 12 तारीख को कंपनी अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करेगी, तो वहाँ से स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली बनेगी। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके क्या हो सकते हैं कल के मूवमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कल के लेवल देखने से पहले एक बार इसका डाटा देख लेते हैं भाई, डाटा कैसा है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 134, ओपन हुआ 126 के भाव पर, और वहीं हमें जो अभी लगभग क्लोजिंग लेते नजर आया है, ठीक है, और 130-140 का स्टॉक ने हाई भी लगाया था, तो वहाँ पर एक मौका था, लेकिन वो मैंने आपको क्लियर मना कर दिया था अभी स्टॉक में मत कूदना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 15 लाख क्वान्टिटी का, जी हाँ 15,91,000 लगभग 16 लाख क्वान्टिटी का बिग सेल ऑर्डर लगा हुआ ऑलरेडी, तो स्टॉक तो ऑलरेडी आपको जो अभी ऑफर फॉर सेल के भाव से ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 31% जो डिलीवरी उठाई गई है, शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए 4,88,00,000 के आसपास, और 1,50,00,000 के आसपास जो डिलीवरी ग्रुप में उठाए गए हैं, तो आज ज़बरदस्त जो ना भी ये ऑर्डर वगैरह देखने को मिले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक का जो सपोर्ट था उसने वो तोड़ा है, 127.90 का हमारा था, ठीक है, ये ऑफर फॉर सेल की वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जो सेकेंडरी सपोर्ट हमारा नीचे में 119 से 121 का है, अगर शेयर आपको कल के दिन भी गैप डाउन के साथ ओपनिंग ले और इस भाव तक आते हुए नजर आए 119 के आसपास है, 120 के आसपास है, तभी स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना भाई, ठीक है, आपको पहले बोल देते हैं तभी फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचना। अदरवाइज आप लोग देखोगे 127 के ऊपर में अगर
128 का लेवल ले लो ऊपर का, 128 के ऊपर में अगर स्टॉक निकले ओपन हो, ठीक है, गैप अप के साथ ओपनिंग ले, तो वहाँ पर ऑफर फॉर सेल के अंदर अप्लाई करने में सबसे बेस्ट बेनिफिट है। 128 का अगर आपको 119 में मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, और मे भी आज जैसे टूटे ना वैसे ही कल के दिन भी शेयर टूटेगा, क्योंकि कल के दिन भी ऑफर फॉर सेल ओपन है भाई। तो इसलिए आपको जो ना अभी वहाँ पर अप्लाई करने वाला जो प्राइस है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा 120 बास के आसपास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बिंदास खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात है, आने वाले टाइम में जो शेयर है वो आपको एक अच्छी रैली दिखाएगा। और यहाँ से अगर आप लोग स्टॉक को 119-120 के भाव पर खरीदते हो, फिर उसके बाद जो नीचे का सपोर्ट रहेगा ये मेन चीज़ है भाई, ठीक है, उसके बाद जो नीचे का सपोर्ट है वो यहाँ पर आप लोग देखो 110 रुपये का, 110 रुपये का स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट रहेंगे इसको 150 के आसपास के। तो ये इसके लेवल, इन लेवलों के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।